देखिए तो अब आगे आपका कोर्स क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी समझ लेंगे। ये क्वेश्चन सभी लोगों से हो गया होगा है ना, ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो अब देखते हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा मेरा। हाँ भैया देखिएगा जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है करा 15 सेंटीमीटर सॉरी करा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, करा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित खा वाला दिया जा रहा है, करा कि निकट दृष्टि दोष किसी निकट दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता क्या होगी। ठीक, देखिए भैया क्या कहा जा रहा है, कह रहा दूरबीन जो है ना, क्या कहा जा रहा है कि जो दूरबिंदु है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरबिंदु जो है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दूरबिंदु का मतलब हमें ये पता चल गया अगर कि v बराबर हो गया, क्योंकि देखिए 80 सेंटीमीटर हम लोग यहां से कहेंगे भाई, इसको कहेंगे 80 सेंटीमीटर। बात यह है माइनस का इसलिए रखा अगर के भाई निकट दृष्टि दोष हो गया, इस लेंस के निवारण के लिए सबके चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए बच्चे सभी लोग देखेंगे यहां से, जब वी बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर तो U बराबर भैया उसका क्या होना चाहिए, हमें पता है U होना चाहिए माइनस का इनफाइनाइट होना चाहिए है ना, U कितना होना चाहिए माइनस का अनंत होना चाहिए। V बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर हो गया, कह रहा कि उसका दूरबिंदु जो है इतना है, तो अब जरा बताइएगा देखे तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि जो है उसके फिलेंस की क्षमता बताने, तो वस्तु अनंत में भी रख दी जाए और उसका दूरबिंदु जो है 25 वो सॉरी क्या था 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर था, वस्तु कहां पर रखी हुई होगी अनंत में रखी हुई होगी। तो अब जरा देखेंगे आकर के 80 सेंटीमीटर की दूरी पर जब बनता था तब वो देख लेता था है ना, उससे आगे अगर कहीं बनना तो नहीं देख पा रहा था, तो इसके लिए देखना लेंस की क्षमता क्या होगी आकर के, करा दोष को संशोधित करने के लिए दोष हमें दूर करना है, इसके लिए लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी। तो लेंस की प्रकृति तो हमें पता चल गई है, प्रकृति हमें पहले से पता चल गई कौन सी प्रकृति होगी आकर के, उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यह रोग अधिकांशतर बच्चों में पाया जाता है, यह भी बताया जा चुका है ना, ये रोग पढ़ने वाले स्कूली बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। फिर देखेंगे आकर के जब हमें ये पता चल गया, पहले हमें लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमने कहा 1/m बराबर 1/v माइनस का 1/u। अच्छा माइनस इसलिए कर दिया है, उसका भी रीजन समझ लेंगे, माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि भाई लेंस की बात चल रही है इसीलिए माइनस किया गया है। तो अब जरा देखेंगे तो ये रहा आपका 1/f इक्वल टू 1/v कितना था माइनस का 80, माइनस 1/ माइनस का इनफाइनाइट, माइनस माइनस तो हो गया डिसूम, तो यानी ये आ जाएगा यहाँ से कितना 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का 80 है ना, काहे का आ जाएगा माइनस का 80। इसको सॉल्व करने के लिए तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, f इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब f पता चल गया, हमें क्या निकालनी थी, लेंस की क्षमता निकालनी थी भाई, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए देखिए हम लोगों को फार्मूला मालूम है भाई क्या होता है लेंस की क्षमता के लिए,
सभी को मालूम होता है, अगर सेंटीमीटर में है तो 22.5 होता है, और अगर ऐसे है तो फिर क्या होता है, क्या नाम सॉरी जो है 2.1 होता है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं, पी बराबर फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा क्या 100/f, तो पी इज इक्वल टू 100/f आया। कितना भैया माइनस का 80, हमने माइनस का 80 लिख दिया, 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से काट दिया 5 आया, 2 से काट दिया 4 आया, ये आ गया 5/4। अब जरा इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 2.5/5 होता 2.5, 2.5 का फिर आधा में करना है तो आ जाएगा 1.25, यानी 1.25। देखिए फिलहाल करके देख लीजिएगा, यहाँ से 4 को 5 से भाग करना था, एक बार जाएगा, एक बचा लगाया 0 बढ़ाया 0, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए कितना 4 2 8 2 आ जाएगा, 0.5 लगाया 5 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, तो माइनस का आ गया 1.25 डायरेक्टर। देखिए क्या आ गया भैया, माइनस का 1.25 डायरेक्टर। इसका मतलब हमें पहले से, हमें पहले मालूम था निकट दृष्टि से तो अवतल लेंस होगा, तो हमें पता चल गया अगर कि 1.52 डायरेक्टर वाला जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा संभवता, है ना, क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा एक बार, है ना, अब भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा एक बार भाई, हो जाएगा क्वेश्चन सभी बच्चों से। देख लीजिएगा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद भाई इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए अगर मेन आंसर देंगे आगे के कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है प्रकाश कारण तारे जो होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। रीजन जरा समझ लीजिए भाई, रीजन क्या होता है इसका, रीजन ये होता है कि तारे जो है तारे तारे ना, ये जो तारे हैं भैया तारे पृथ्वी से जो है पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, तारे जो है पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। सुनते रहिएगा, हमने क्या कहा कि जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, जिस कारण अच्छा होता क्या है कि देखिए एक तो इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तभी टिमटिमाते हैं, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य पर, तो जब ये दूसरे के प्रकाश से टिमटिमाते हैं तो देखिए होता क्या है, इसके ज्यादा दूरी होने के कारण इनके बीच और भी कई चीजें पड़ जाती हैं, जिस कारण क्या होता और ये होती है पारदर्शी, पारदर्शी देखिए पारदर्शी इसलिए हम लोग कहेंगे अगर के अगर भाई अपारदर्शी होती है ना, जो परत वगैरह पड़ गई अगर अपारदर्शी होती तो फिर हमें ये दिखाई ही नहीं पड़ता, बात ये भी तो थी, अगर अपारदर्शी होता तो फिर हमें तारे दिखाई नहीं पड़ते, पारदर्शी है तभी तो बाद में दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनकी दूरी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा दूरी हो गई कि इससे आने के लिए यहाँ पर घटना हो जाती है किसके, प्रकाश के अपवर्तन के, रिफ्लेक्शन की घटना हो जाती है, जिस कारण होता क्या है इसी तारे तारे एक की अगर हम लोग बात करें, कभी इसकी स्थिति हमें यहां पर दिखाई पड़ेगी, कभी यहां दिखाई पड़ेगी, कभी यहां दिखाई पड़ेगी, कभी यहां दिखाई पड़ेगी, जिस कारण होता क्या है हम लोगों को ऐसा लगता है कि तारे अपने स्थिति को बदल रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, इसीलिए जो है ये तारे हमको भैया टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेन आवाज में हम लोग मेन भाषा में क्या लिखेंगे आकर के, कहेंगे तारों की पृथ्वी से दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण जो इसका क्या कहेंगे, जो इसका प्रकाश जिसके प्रकाश से चमकते हैं ये पृथ्वी तक, इनका प्रकाश आने के लिए इन्हें कई बार अपवर्तन की घटनाओं से गुजरना पड़ता है, जिस कारण हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण इनकी स्थित कभी एक ही जगह पर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है,
इसलिए हम लोगों को क्या लगता है कि तारे इधर उधर भटक रहे, यही हमें क्या होता है, यही कारण होता है कि तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ तक भैया सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा संभवतः, है ना, क्वेश्चन यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग भैया जो है देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी समझ लेंगे भैया जल्दी से बच्चे। देखिए तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं, तीसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन चार चार नंबर के दिए जा रहे हैं, देखिएगा जरा। तो जरा देखते हैं, देखे भैया सभी बच्चे ध्यान से बात सुन लीजिएगा एक बार। तो तीसरे के का वाले क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, तीन का काम में आपको दिया जा रहा है। करा देखिए भैया जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए दर्पण कौन सा हो गया भाई, दिया है अवतल दर्पण, फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, तो माइनस के हमने लिख लिया 15 सेंटीमीटर, चूर दर्पण अवतल दर्पण था। फिर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है कहां, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी u बराबर हो गई भैया कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और इसकी वस्तु की लंबाई भी हमें पता है ओ बराबर पता है कितना, वस्तु की लंबाई हो गई भैया कितनी 2 सेंटीमीटर, प्लस का रखेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसलिए ऐसा रखेंगे जब हम लोग दर्पण बनाते थे, याद करिए भैया जरा, हम लोग जब दर्पण बनाते थे तो यहाँ क्या होता था, वस्तु हम लोग यहाँ रखते थे। अच्छा बताओ भाई वस्तु ऊपर क्यों रखते थे, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी सदा धनात्मक ले जाते, इसलिए धनात्मक ले लिया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अच्छा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थित आकार प्रकृत तथा आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थित यानी भैया वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं, वही हमें पता है फार्मूला क्या, 1 अपान यू दर्पण है, याद रखिएगा, तो 1 अपान वी माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस का 1 अपान 30, है ना, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान 30 माइनस का 1 अपान 50, 2 से गुणा कर दिया तो वी बराबर ऊपर हो गया कितना, 1 माइनस 2 अपान 30 यानी -1/30 कितना आ गया, -1/30, तो 1/V = -1/30, तो V = -30 cm, तो हमें पता चल गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि उधर दिशा में ही बनेगा करके, है ना। अब देखिए जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी थी, 30 ही सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनना है, तो इसका मतलब वस्तु कहां रखी होगी, वक्रता त्रिज्या पर रखी होगी, कहां रखा सॉरी वक्रता केंद्र पर रखी होगी, कहां रखी होगी वस्तु, वक्रता केंद्र पर रखी होगी, क्योंकि वक्रता केंद्र में वही पर प्रतिबिंब बन जाता था, है ना, वक्रता केंद्र में रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता था, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर भैया बन गया इसका। अब देखो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ज्ञात ये करना कह रहा था, साथ ही साथ भैया ज्ञात कीजिएगा, कह रहा था प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, इसके आकार बताइए, तो आकार तो हमें पता चल गया भाई, आकार पता चला क्या, आकार हमें पता चला। अच्छा अभी आकार देखेंगे क्या होगा करके, अभी प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में हमें बताना है, ठीक, तो जरा देखेंगे फार्मूला सभी को पता रहता है क्या, फार्मूला होता है भाई क्या, I/O = -V/U, ये होता है, तो I हमें ज्ञात करना है, O हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, माइनस V हो गया कितना आपका, -30, है ना, और U हो गया था आपका -15, जरा देखते रहिएगा,
अगर देखे यहां से हम लोग कितना जाएगा, तो अब यहां से देखना होगा क्या मिलेगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा भैया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा यहां से, सॉरी ये देखिए उल्टा लिख दिया गया यहां पर, ओ अपान आई इज इक्वल टू ओ अपान आई, तो ओ बराबर था आपका दो। हाँ ठीक है, सही रहा आई, तो यहां से दो कट गया आपका ये भी। देखिए क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहां से देखेंगे इसको फिर से दोबारा कर देते हैं यहां पर। फॉर्मूला होता है देखिए, माइनस का वी अपान यू, तो माइनस वी आपका आया 30, हाँ 15 का हर खेल रहे हम लोग, और ये भी आया आपका 30 आया है, और ये होता है क्या हमारा आई अपान ओ। ठीक, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस का आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपान यू, तो ये होता है भैया माइनस माइनस ये वी प्लस हो गया। अब ये रहा हमारा आई अपान ओ का मान हो गया 2, तो माइनस का ये आ गया कितना, 1, गुणा करा देंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए आया क्योंकि नीचे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, वस्तु आकार में वस्तु के बराबर बनता है जब कोई, और हमने कहा था एक बार देखिए, हमने आपको पढ़ाया था वीडियो में पिछली बार, कहा था जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो ठीक, ये कंडीशन सभी लोगों को पता होगी। लल यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, आगे के क्वेश्चन फिर जो है इसके बाद भी देख रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए